ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, लग जाए तो खून निकल आता है। ये इस तरह की कहावतें हमने बहुत सुनी है, मूवीज में भी देखी है। दरअसल रामपुर मशहूर है चाकू की वजह से। इसका इतिहास जानते, क्यों चाकू की वजह से रामपुर मशहूर रहा, क्या यहां अपराधियों का इतना बोलबाला था कि यहां पर लोग चाकू खरीदते थे और इसलिए कारीगरी यहां पर बहुत ज्यादा थी और व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा, या इसके पीछे कुछ और वजह है? हमारे साथ ये कहा जा सकता है कि यामिन अंसारी है, और यामिन अंसारी वो शख्स हैं जो शायद पूरे रामपुर में एकलौते ऐसे कारीगर रह गए हैं जो चाकू बनाते हैं। यानी कि अब रामपुर से जो चाकू बनाने की एक जो कला थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और चाइना जो है उसके बाजार पर चाइना हावी होता जा रहा है। क्या यामिन भाई, जो मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ गलत है? बिल्कुल सही बात है, ये बाजार पूरा छाया हुआ चाइना से, चाकू का काम को खत्म हो गया। ये बढ़ावा मैं भी कर रही हूँ तो ये जिंदा है, मेरा काम जो खुलवाया, ये बंद काम को खुलवाया अंजना कुमार साहब ने, तो इसलिए चालू है ये, इसलिए मैं जिंदा रखा हुआ, मैं इसको मैं भी नहीं कर रहा था। और जब बनेगा तो ये जाहिर है मैं बिकेगा, और जब बनेगा ही नहीं तो बाजार में तो चाइना ही बिकेगा, वो तो बाजार में कुछ भी आएगा बिकेगा। कला तो यहाँ से जिंदा है, यहाँ ही से खत्म हो जाएगी कला, अगर हुकूमत ने या किसी प्रशासन ने या मोदी जी या योगी जी नकवी साहब इस पे ध्यान दें, इस चीज पे मैं कला है ये, अगर इसको सही रखेंगे, इस पे ध्यान देंगे, लोग बढ़ावा होगा इसका, चलेगा, कारीगर बढ़ेंगे, देश की कला बढ़ेगी। यामिन भाई, कब से आप ये काम कर रहे हैं, और मुझे थोड़ा इतिहास बताइए कि क्यों चाकू की वजह से रामपुर और रामपुर की वजह से चाकू मशहूर है? मैं तो 45 साल से 40 साल से इस काम को कर रही हूँ, जितना मेरा होश है। पहले तो इसको 15 साल सीखने में लगा दिए मैंने, और उसके बाद से कर रही हूँ ये काम। तो इतिहास में तो ये तो 200 साल पुराना है, ये इतिहास में तो 200 साल पुराना इतिहास है, ये नवाबों के जमाने का है, ऐसी चढ़ते बढ़ते बढ़ते ही आ गया। अब फिल्मों में आया, फिल्मों में दिखाया उसको साहब, उन्होंने निकाला, खोला, पेट में पार कर दिया, तो प्रशासन ने हिसाब लगाया कि ये फाड़ने की चीज है, इससे मारा जाता है। और मारने के लिए तो बधेरी चीज ऐसी है, इस जमाने में कौन किसको मार रहा है, कौन किसको मार रही है। तो शौक ही है, फिल्मों की वजह से ये मशहूर है, तो लोग रखे थे यार रामपुरी चाकू, काटने के लिए इससे कुछ नहीं हुआ। अभी इतने जमाने से मैंने नहीं देखा है कि रामपुरी चाकू से किसी को काटा गया हो, फाड़ा होगा, मारा होगा, राजस्थान के खंजर से भी मारा होगा, अमृतसर की तलवार से भी मारा होगा, पंजाब, जापान, इन चीजों से, हथियारों से मारा होगा। सीधा प्रशासन ने लिख दिया रामपुरी चाकू, उनने जांच निकराई कि रामपुर है नहीं है। रामपुर में आन के ये देखो कितने कारखाने हैं, ये लोग ये साबित करते हैं कि हमारे रामपुर में बहुत चाकू बनता है, नहीं बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ आन के चेक करो इस चीज को, बनता भी है या नहीं बनता है। ये तो सब रामपुर को बदनाम कर दिया कि रामपुरी चाकू, रामपुरी चाकू, आप मोबाइल पे बोल के निकालो रामपुरी चाकू तो ज्यादातर उसमें चाइनीज हथियार निकल के आएंगे, खंजर लंबे लंबे गुप्ती है, ये है ना, ये रामपुरी चाकू है, ये रामपुरी चाकू है, ये इसमें क्या क्या चीज है, पीतल लगा हुआ है, कमर भी बंद है, मजबूत है, पटक दो इसको यूं करके फिर भी चल लिया है, फिर भी चलेगा, चाइना को पटक दियो ऐसे करके, अगर चल जा तो जिंदगी भर की गुलामी लिख दूंगा। ये हमारे हिंदुस्तान की मजबूत कला है, जिसकी वजह से ये चल लिया था, और कोई मर्डर वर्डर नहीं, गलत है ये सब, बदनाम करने की चीज कला है, इसको जिंदा करो, फिल्म में दिखाया, मशहूर हो गया, लोग इससे शौक करते हैं कि यार रामपुरी चाकू, मतलब आपका कहना है कि फिल्मों ने बदनाम कर दिया इसको? फिल्मों में बदनाम नहीं कर दिया, फिल्मों में देख के प्रशासन ने बदनाम कर दिया, फिल्मों में तो उन्होंने डायरेक्शन ले लिया, उन्होंने इधर को घुसेड़ के उधर को, इतना छोटा चक्कू इधर को घुसेड़ लिया है, वो उधर को निकाल लिया, इतना बड़ा कैसे हो गया, पीछे को भी दिखा रही है वो, कमरे में को निकला हुआ भी दिखा रही है। अच्छा, उसके टुम भी गया और फिर भी खड़ा हुआ, अब फिल्मों में जरा किसी के टुम के खड़ा करके दिखा दियो, ढह जाएगा, गोश में नहीं रुकेगा वो, इधर को ढह जाएगा, इधर को, मगर फिल्मों में खड़ा हुआ क्या बात, उन्होंने अंदर पटला लगा लिया, उस पर मार दिया, तोड़ी थी पुड़िया डाल दी, ओ काले हमने हो गया, ओरिजिनल दावा है मेरा, ओरिजिनल है ये, साबित कर दे कोई ये चाइनीज है, रामपुरी चाकू ये है ओरिजिनल। इसका क्या रेट क्या है, कितने का है, क्या इसके? ये 1200 रुपए का है।
और 1200-1200 रुपए वाले जो बाजार में चाइनीज है ना, वो गिरते खराब हो जाएंगे। कितने दिन ये हम कभी ये 20 साल खराब हो जाए तो वापस। और आप बनाते कैसे इसको? इसको बनाने का यही है, 15 साल आपने ऐसा क्या सीखा इसमें कि 15 साल लग गया? 15 साल इसमें लग गया कि ये इतना गिरान काम है कि घड़ी वाला इतना गिरान काम नहीं जितना ये घड़ी, ये गिरान काम है। इसकी फिटिंग अगर जरा सारी भी इसकी कल बिगड़ जाए तो इसकी ये चीज सब ये नहीं आएगी, ये यहाँ नहीं रुकेगी अगर जरा सी भी कल बिगड़ जाए, क्योंकि हर चीज को निशानों से बनाया जाता है। इसकी कोई ऐसी चीज नहीं बनी हुई डाई बनी हुई हो के साथ डाई से बना हुआ हुई पे उसको खींच दिया, ऐसा नहीं है। सब चीज नई बनाई जा रही है, सब आरडीए से काम होता है ये, बिल्कुल कोई ऐसा कोई चीज नहीं है इसके अंदर कि जो इसमें ये कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन किस किस चीज का? एक तो स्टील है इसके अंदर, ये लोहा है, रेती का लोहा है ये पीतल मुरादाबाद से ढलने वाला होता है, ये लकड़ी लगा हुआ है इसके अंदर, पीतल की कील लगा दी ऐसे, ऐसा वाला है ये वाला, इसके अंदर भी पीतल ये लगा हुआ, ये लकड़ी की में लगी, ये लकड़ी लगी हुई, कील लगी हुई, ये बटन है, ये सारी चीज है, ये सब पॉलिश करा हुआ, ये लोहा है, इस तरीके से ये भी तैयार करा हुआ, ये बड़ी मेहनत से तैयार होता है, ऐसा नहीं है कि ये तैयार इतनी आसानी से हो जाता है। इसको एक एक चाकू को, दो दो चाकुओं को दिन दिन भर लग जाता है। मेरे पास ये 12 चाकू लगे हुए, अब ये 12 चाकू लगे हुए, पूरा हफ्ता चाहिए मुझे इनको तैयार करने में। अच्छा, पूरा ये चाकू कितने दिन में तैयार हुआ? दो बार, ये 12 है, 6 दिन में 2 होगा रोज के।